ओम नमः शिवाय, जय बागेश्वर धाम सरकार, राधे राधे दोस्तों। शिव उपासना का पवित्र माह श्रावण शुरू हो चुका है। इस माह में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। वैसे तो ये पूरा माह शिव आराधना के लिए उत्तम माना जाता है, लेकिन इस माह में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार का अलग ही महत्व है। इस बार सावन महीने का दूसरा सोमवार 17 जुलाई को पड़ रहा है। इस बार का सावन महीने का दूसरा सोमवार बहुत ही खास है। इस दिन हरियाली अमावस्या भी है और सोमवार भी है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, बहुत से लोग व्रत रखते हैं, बहुत से लोग व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन पूजा अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, पूजा करने का भी विशेष महत्व है इस दिन। अगर आप इस विधि विधान से पूजा करते हो जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, तो आपको शिव भगवान धन धान्य से भर देंगे। आपके घर में अगर बहुत ही ज़्यादा दुख पीड़ा, लोग हमेशा शरीर को लेके कष्ट झेलते रहते हैं, कोई भी बीमारी रहती है, बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहते हैं, तो अगर आप शिव भगवान की सच्चे दिल से आराधना करते हैं तो आपको इन चीज़ों से अवश्य मुक्ति मिलेगी। शिव भगवान प्रसन्न होकर आपकी सारी पीड़ा को तुरंत दूर करेंगे। इस दिन सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस दिन लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। शिव शंभु को प्रसन्न करने के लिए लोग अलग अलग तरीकों से पूजन करते हैं। मान्यता है कि सावन में अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के उपाय किए जाते हैं। सावन में वास्तु में बताए गए उपायों को करने से घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। इसके साथ ही धन, स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब जल अर्पित करते हैं शिवलिंग में, तो आपको एक लोटा पानी लेना है। गंगा जल पहले डाल करके उसमें 108 चावल के गोटे गोटे दाने, टूटे हुए नहीं रहने चाहिए, उसमें डाल करके आपको वही जल को घर से लेके जाना है मंदिर में और शिव भगवान को अर्पित करना है। ये आपको बहुत ही अच्छा फल देगा। इसके बाद आपको मंदिर में ही बैठ करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। इसके बाद माँ लक्ष्मी का भी मंत्र का आपको जाप करना है। सावन के दूसरे सोमवार पर महादेव और माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करें, शिवलिंग की परिक्रमा करें और दोनों देवी देवता से कर्ज मुक्ति की भी प्रार्थना करें, अगर आप कर्ज से परेशान है तो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको आंकड़े का फूल मिलता है, सादे वाले आंकड़े का फूल, उसे अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते तो इससे भी शिव भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आंकड़े का फूल में इच्छा पूर्ति करने की ताकत होती है। घर में सुख शांति खुशहाली और समृद्धि लाना चाहते हैं तो सावन में घर में रोजाना गंगा जल का छिड़काव करें। सावन में रुद्राक्ष धारण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में अगर आप बेलपत्र चढ़ाते हैं शिव जी को, तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव जी का बहुत प्रिय है बेलपत्र, आंकड़ी का फूल, जल, मध, दूध, दही, या फिर अगर आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं शिव जी को, तो आप सावन के सोमवार के दिन कराइए। आपको बहुत ही जल्दी फल देखने को मिलेगा। अगर आप शारीरिक बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो इस सावन के दूसरे सोमवार के दिन भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत रखें। शिवलिंग पर जल में देसी घी मिलाकर अर्पित करने से शारीरिक बीमारियां दूर हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार सावन माह में भगवान शिव के ऊपर काफ़ी भार पड़ जाता है। ऐसे में माँ पार्वती के साथ माँ गंगा दोनों भार संभालती है। इसलिए सावन सोमवार के दिन कासे, तांबे या फिर चांदी के दो लोटे में जल भर ले। अगर दो लोटे नहीं हैं तो आप
एक पात्र के ऊपर एक कटोरी भी रख सकते हैं, लेकिन दो पात्र होना जरूरी है। इसके बाद दोनों से एक साथ शिवलिंग में जल अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की हर समस्या को हर लेते हैं और धन्य धान्य खुशहाली सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। और अगर किसी को नौकरी मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कुछ कुछ अंकों से उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, मिलने वाली रहती है फिर नहीं मिलती है, तो दोस्तों अभी बहुत ही अच्छा मौका है। शिव भगवान को प्रसन्न करके आप नौकरी की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना है तो सावन सोमवार के दिन एक लोटा जल में कुछ बूंदे गन्ने के रस के डाल लें। इसके बाद शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। इसके बाद धीरे धीरे जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अंत में दोनों हाथों को जोड़कर अपनी मनोकामना कह दे। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को मनचाही मुराद पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने आज बहुत से तरीके बताए हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। इस सोमवार अगर आप कोई भी चीज़ से परेशान हैं तो इनमें से कोई एक चीज़ को करिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करिए। और इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।